इति षोडकं नाम्नं कलिकल्मषनाशनं नतः परोपतराय सर्ववेदेषु दृश्यते। 16 अक्षरों का हरे कृष्ण महामंत्र का जाप जो भी व्यक्ति करता है उसके लुक के प्रभाव से मुक्त हो सकता है और अपने जीवन को शुभदायक, लाभदायक, फलदायक बना सकता है। तो कलयुग यानी कलह का युग, लड़ाई झगड़े का युग। कलयुग में हर बात पर छोटी छोटी चीज़ों में झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, मन मुटाव होता है, गलत फहमियाँ होती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और हम लोग एक दूसरे व्यक्ति को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी लाइफ में झगड़ा हो रहा है, वो मुझे तकलीफ दे रहा है, उसने ये किया, उसने वो किया। जबकि सत्य बात यह कि एक्चुअली हम लोग आपस में लड़ते झगड़ते नहीं, कोई भी नहीं लड़ता झगड़ता, हमको लड़ने वाला व्यक्ति कोई तीसरा है, वो एक पर्सनैलिटी, एक पर्सन है जिसको बोलते हैं कलयुग। तो कलयुग जो है इस एज ऑफ क्वारल, हाइपोक्रेसी एंड डिप्लोमेसी। तो कलयुग का प्रभाव करने का, कलयुग का जो प्रभाव है, हमें इस कलह से बचना है, झगड़ों से बचना है, लड़ाई झगड़ों से बचना है, तो उसका एक सिंपल आसान सा तरीका है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो है शास्त्र, ये मंत्र शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों के द्वारा दिया गया है। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव गतिरन्यथा। लेकिन इस महामंत्र का जाप हमको अपनी लाइफ की पर्सनल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज आई वॉन्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ माई लाइफ, माई फैमिली प्रॉब्लम्स, माई ऑफिशियल इशूज, माई रिलेशनशिप विद माई फ्रेंड्स इन सोसाइटी, तो उनको सॉल्व करने के लिए भगवान का नाम का जाप करूँ तो वो इतना अच्छा नहीं है, ये कोई बहुत अच्छा मोटिवेशन नहीं है। भगवान का नाम का जाप हमें करना चाहिए केवल एक पर्पज़ से। क्यों? केवल हमें साधु गुरु कृष्णा को प्रसन्न करना है, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, कृष्णा को प्रसन्न करना है। दिस इज़ द ओनली रीज़न फॉर टू चेंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, नॉट टू चेंट हरे कृष्णा महामंत्रा टू गेट अवर हिडन एजेंडास, टू अवर गेट ग्रॉस पर्पसेस सॉल्व, उस पर्पज के लिए नहीं करना चाहिए, वो इतना रिकमेंडेड नहीं। हालांकि जब मार्गदर्शन में किसी प्रमाणिक वैष्णव के मार्गदर्शन में नाम जप का, हरे कृष्णा मंत्र का जाप करेंगे, हमारी लाइफ की प्रॉब्लम स्वतः ही सॉल्व होंगी, जो भी हमारी समस्या वो ऑटोमेटिक सॉल्व होंगी। लेकिन हमारा फोकस वो नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए कि मैं साधु गुरु कृष्णा को प्रसन्न कर सकूं। एक्चुअली द डिफिकल्टी इज विद अस दैट वी हैव नेवर टेस्टेड द नाम सुधारस, द जॉय ऑफ होली नेम वी हैव नेवर टेस्टेड, देयरफॉर when we chant there are so many thoughts disturbing us, we have so many problems in our life, kyunki main bhagwan ke naam ka ras kabhi swad nahi liya hai, isliye hamari life mein itni sari samasyaon se hum ghire honge, ghar mein samasya hai, apne aas paas ke logon ko samasya hai, office mein samasya hai, jahan par bhi aate hain problem hai, kyun hame abhi naam ka swad nahi chakha hai, jis din naam ka swad chakh liya us din hamara problem pe focus rahega hi nahi, bhale problem rahe bhi। actually एक डिवोटी भगवान के नाम का जाप कर सकता है, भक्ति भगवान के नाम का जाप कर सकता है। अभी मैं अपने आप को फुलिशली सोचता हूँ कि मैं भक्त बन गया हूँ, कुछ कपड़े पहन लिए, तिलक लगा लिया, कंठी माला पहन ली, सोच रहा हूँ मैं भक्त बन गया हूँ, ये भक्त नहीं है। भक्त की डेफिनेशन जीव गोस्वामी देते हैं, भजनीय परम पुरुष सुख मात्रा ससुखम। जीव गोस्वामी बताते हैं भक्त का मतलब वो है जो केवल जीवन इसलिए जीता है, जिससे सुखी रहने का केवल एक कारण है कि मैं भगवान को सुख दे सकूँ। This is the only reason for a devotee to live a happy life. This is the only reason for a devotee to take breath. केवल भगवान को सुख देना इसलिए मेरा जीवन है, भले ही भगवान को सुख देने के लिए मेरे को लाइफ में कुछ कष्ट भी सहना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं है, थोड़े कष्ट भगवान की प्रसन्नता के लिए सहे जा सकते हैं, भगवान ने लिए हमारा इतना सब कुछ किया है, इतना सब कुछ कर रहे हैं और कर रहे हैं, तो हम उनके लिए एक शुद्ध भाव से नाम जप नहीं कर सकते, प्रयास तो कर सकते हैं एटलीस्ट। सो डिवोटी मीन्स हु हैज़ नो पर्सनल एजेंडा, हु हैज़ नो पर्सनल एम्बिशन वाइल चेंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र। भक्त वो होता है जो हरे कृष्ण महामंत्र का जब जाप करता है तो उससे कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं होता है, कोई उसकी सेंस ग्रेटिफिकेशन की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो हमको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है लेकिन शुद्ध भाव से करना है, ना कि किसी निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए, यानी कि मुझे बहुत सारा पद मिल जाए, शोहरत मिल जाए, प्रशंसा मिल जाए, धन मिल जाए, सुंदरी मिल जाए, इन भाव से नहीं, या मुझे बहुत ज्ञान बन जाए, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाऊँ, विद्वान बन जाऊँ, प्रखंड पंडित बन जाऊँ, नो, सिंपली टू प्लीज द लॉर्ड, भजनी परम पुरुषः सम्मात्रा ससुखम, केवल कृष्ण जो कि मेरे स्वामी हैं उनको प्रसन्न करने के लिए मुझे इस नाम का जाप करना है, क्योंकि यही मेरा धर्म है। ये शक्कर है, शक्कर का धर्म क्या है? मिठास, मिठास को
चक्कर सेलेक्ट किया जा सकता है, कभी नहीं किया जा सकता। वैसे ही मेरा धर्म है भगवान की सेवा करना, कैसे करूँगा, भगवान के पवित्र नाम के जाप से। तो केवल ये हमारा ध्येय होना चाहिए, भगवान का नाम का जाप जितना अपना प्रयास हो कि पवित्र भाव से, शुद्ध भाव से, बिना किसी इंद्रिय तृप्ति भावना के कर सके, तो हमारा जीवन सफल है। प्रयास मात्र से ही रूपा जी भगवान खुश हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।